यीशु, माँ मरियम तिरस्कार नहीं करने वाली माँ। आ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम देखते हैं कभी अम्मा किसी को भी पुकार को तिरस्कार नहीं करते, किसी का जरूरत को कभी अनसुना नहीं करते। जैसे हम देखते हैं माँ मरियम एलिजाबेथ से मदद करने के लिए जाती है और काना के विवाह में उन करके परेशानियों को दूर करते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं प्रेरित अध्याय 1:14 में प्रेरित लोग डर के मारे कमरे में बंद रहता था, उसी समय माँ भी उनके साथ बैठकर प्रार्थना किया, तब वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर निडर होकर बाहर जाकर सारी दुनिया में यीशु का सुसमाचार सुनाने लगा। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम भी हमारे तिरस्कार नहीं करने वाले, बोला हमारे बुलावों को हमेशा सुनने वाला, कभी माँ अनसुनी नहीं करते, उसी माँ से हम भी हमेशा प्रार्थना करें। इसलिए हम हमेशा हमारे प्रार्थना में कलीसिया याद कर विनती में हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, हे माँ मरियम आपको पुकारने वालों को कभी आप अनसुनी करते हैं, हमारी पुकारों को आप सुनते ही रहते हैं, कभी सुनने में नहीं आया है, आपके पास मदद मांगते हुए दौड़ते हुए आए आपके प्रियों को, अपने प्रिय पुत्रों को कभी अनसुनी नहीं किया। यही प्रार्थना हम बार बार करते रहते हैं याद कर विनती में। इसी विश्वास के साथ हम हमेशा उस याद कर विनती को हम हर दिन हमारे प्रार्थना में हम जपते रहेंगे तो माँ हमारे साथ रहकर हमारे हर पुकार को सुने, कभी अनसुनी नहीं करेंगे, हमेशा सुनने के लिए तत्पर रहेंगे। और अपनी निवेदनों को सुनकर अपने प्रिय पुत्र के पास चढ़ाकर हमारी मन्नतें पूरी करेंगे। आमीन। जय यीशु।